सो गाइज, आज का व्लॉग शुरू करने से मैं और रजभरी हम दोनों मिलकर आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं। इस व्लॉग में मेरे को टीम गौरव को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं वादा करता हूँ कि आपने अगर मेरा सपोर्ट किया तो मैं आपके घर तक बिजली पहुँचाऊँगा, सड़कें बनवा दूंगा, पानी की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल बर्फ की भी दिक्कत नहीं होगी और चखने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। रजभरी बोल दो कि पापा को सपोर्ट करें प्लीज। हैं जी, फैन का पे फैन, ये लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। कितना सोना लग रहा है यहां से। हाल में देख, मैं एक्चुअली वैसे तो अच्छा लगता हूं, बस मैं बाल भालूं तो। वेलकम टू डेज व्लॉग। आज कोई व्लॉग नहीं है, आज एक कंपटीशन होने वाला है, बिकॉज आज सुबह ये कहती रहती है, आपको पता है एग्जाम के लिए पढ़ रही है, मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है। मैंने कहा मेरे खाने के लिए वेजीज क्या है, बिकॉज मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, आई नीड वेजिटेबल्स। नहीं बना, मैंने कहा वो तो तू रोज नहीं बनाती, नई चीज़ क्या है। मैं गुस्सा आ गया, देन शीज लाइक मैं बनाती हूँ। मैंने कहा इतना अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रोटी चैलेंज। सो बेसिकली हमने ये आटा निकाल के, हटो आगे से यार, शॉर्ट दे दो। ये हमने आटा निकाल के रख लिया है, ये इक्वल आटा है दोनों का, और दोनों ने पहले आटा गूंदना है, जितना नरम गूंदेंगे उतना अच्छा होगा, और एक एक रोटी बनानी दोनों ने, और उसमें टाइम भी काउंट किया जाएगा कि किसने पहले बनाई है। मैं प्लस रोटी एक्सपर्ट हूँ, रोटी एक्सपर्ट हो तो आज दिखा देंगे तो रोटी एक्सपर्ट है। प्लस वो रोटी पापा टेस्ट करेंगे, और पापा को बताया नहीं जाएगा कि कौन सी रोटी किसने बनाई है, पापा टेस्ट करके बताएंगे कि किसकी रोटी बेहतर थी, और उसके बाद से इस घर में उसी का परचम लहराएगा। ऋतु सही में चैलेंज है, जो ये रोटी चैलेंज जीतेगा वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेगा, फीड पे, स्टोरी नहीं फीड पे, स्टोरी कर दे क्या, बिकॉज माई फीड लुक्स गुड ना तेरे को तो क्या। वो एक स्टोरी डालेगा, वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालेगा, अगर मैं जीता तो बॉयज कुक बेटर देन वुमेन, अगर ये जीती तो डालेगी वुमेन कुक बेटर देन बॉयज। मंजूर है चैलेंज? सारे बड़े बड़े फाइव स्टार होटल में मेन शेफ कौन होते हैं? आदमी लोग। औरतें भी होती, मैं ये नहीं कह रहा, एंड घर पे वो काम करती हैं ये नहीं कह रहा, बट जो आदमी अच्छा करता है। Are you taking this challenge? लगानी पड़ेगी स्टोरी पे। एक रोटी से क्या, वैसे तो मैं इससे अच्छी बना लूंगा। चल, you're taking हाथ तो नहीं, it should be हाथ। हाँ, मैं और मैं सारी सब्जियां बनाता हूँ आपके ना, मैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, दाल नहीं खाऊंगा, ये सब टिंडे। जब देखो टिंडे 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 टिंडे, गर्मी में आ भी नहीं रहे टिंडे, बकवास मारे। ये हमारे घर के बाहर तक पहुँच जाते रोज, पता नहीं कैसे बनाता, झूठ बोलो, सारी सब्जियां बनाता हूँ, बकवास मार रहे हैं, ये नहीं खाना, वो कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलते बेटा। नहीं, सारी सब्जियां बनाते हो, बट जो मुझे खाने होती है वो नहीं बनाते आप। इनको 10 में से 8 तो खाने की अभी। तो पापा, मैं और ऋतु कर रहे हैं रोटी चैलेंज, एक एक रोटी बनाएंगे आपके लिए। अच्छा, तो आपको पता नहीं होगा किसने कौन सी बनाई है, तो ये इनमें एक ही होगी, तो आपको खा के बताने है कि कौन किसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, मतलब गोलाई में, मोटाई में, सब चीजें, सब चीजें, सब चीजें ओवरऑल। ऋतु की तो अच्छी होगी होगी, ये क्या बात हुई, बना लूंगा मैं। हाँ, बना लोगे। मेरा चकला बेलना का है, मेरा चकला बेलना निकालो। अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए तुम बताओ, ये वाला कि ये वाला मैं लूंगा ये वाला। अच्छा, ये छू के बता दूंगा कौन सी किसकी है। आग बंद करके, हाँ, तो पकड़ो फिर स्टार्ट करते हैं चैलेंज। आग भट्टी बांध देना, और जल्दी भी जिसकी बनी है, जल्दी जल्दी भी, जल्दी भी, जल्दी का भी पॉइंट है पापा, जल्दी का भी पॉइंट है। ऐसे कपड़ा ले लेते हैं पहले, उससे क्या होगा, जल्दी भी तो पॉइंट खराब हो जाएगा। कपड़े से रोटी देखना पॉइंट नहीं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अरे रुक तो जाओ, कपड़ा रोटी ये पहले दोनों के लिए। आटा गूंदने में टिप्पी आगे निकलते हुए, आटा गूंद देता हूँ लेकिन आज थोड़ा पानी ज्यादा हो गया, ये देखो पूरे हाथ सने हुए, पानी ज्यादा हो गया, मैं आटा ले सकता हूँ, थोड़ा सा ले सकता हूँ, उसमें क्या है, देखो आटे भी परफेक्ट है, टिप्पी नंबर वन, देखो उसके हाथ देखो जरा, ज़्यादा पानी दिया, इसके हाथ देखो साफ, ऐसे लग रहा है कि जैसे घी डाल के आटा गूंदा है गौरव ने, जरा भी आटे की पहचानी होती है, जरा भी थाली भी ना लगे हाथों में चक्के, थोड़ा आटे में मल आने दो, उसकी थाली में आटा चिपक गया, लेकिन ये नहीं है, जल्दी इसकी बनेगी।
आटा ही नहीं गूंदा। आटा पानी ज्यादा हो गया। कोई नहीं, मैं ऐसे रोटी बना दूंगी। लोगों में से जब धीरे चलते हैं लेकिन अरे क्या कर दिया। अरे ज्यादा मोटी हो गई आपके चक्कर में। तो मुझे याद नहीं है। जी पापा वो पतला हो गया था आज गलती से आटा। हटो 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 हटो। आप बने रहिए पापा। अरे यार तो पुलाव है ना आटा। नो प्रॉब्लम गाइस, इट इज ओके। अपने आटे को फाइनल टच देते हुए कितने महीन महीन सवैया नीचे गिरती। पापा जी बात चाहूंगा मैं, इसकी थाली देखो एकदम साफ है। एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले मैं जब शादी नहीं हुई थी तो चार रोटी खाता था, शादी के बाद मैंने दो कर दी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि एक रोटी खाने का तो मैं आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग वाली रोटी है, इंजीनियरिंग वाली। तो गर्म है, ठंडा है, ठंडा ठंडा। क्यों मैं एकदम परफेक्शन से बनाती हुई? अगर परफेक्शन से बनाती हूँ लेकिन चार, अगर घर पे चार लोग हैं, एक को एक रोटी मिली आधा घंटा बैठना पड़ा क्या? नहीं तो कोई आधा घंटा भले मेहमान चले जाएं लेकिन रोटी अच्छी बनी। रोटी अच्छी बननी चाहिए। मैं आप वाला ही दवा यूज करूंगी क्योंकि वो है, वो दवा नहीं है दूसरा। वो पापा मेरी फूल नहीं, देखो फूल नहीं, देखो फूल भी है, देखो दवा उधार के फुला बढ़िया फूल एकदम बढ़िया बनी है चकास। अरे वाह, मोटा का एक्सप्रेशन लेते हो, मोटा का एक्सप्रेशन लिए जाए, मोटा का एक्सप्रेशन लिए जाए, हालत फूलती हुई इनकी, मेरी रोटी फूलती हुई इनकी हालत फूलती हुई, ये देखिए। फिर तो सरेंडर कर दिया पहले ही। सॉफ्ट रोटी बनेगी ना। मैं आपके लिए वो बाप जी ये तो अच्छी बन गई यार। अच्छी बन गई पापा, मैं बनाती है चु। तो देख ही चुका हूँ। तो आंख बंद करके टेस्ट करो। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? ऐसे ही रहेगी पापा, टच तो करो जरा। एक एक पापड़ नान। अरे ऐसे नहीं, ऐसे होगी, आप आंख बंद करो। ये वाली रितु की है, ये वाली गौरव की है। सुखी क्या जमाना आ गया है, इतने बच्चों को पास पोस के बड़ा क्या, रोटी रोटी खाओ। मुलायम है ये, थोड़ी सी टाइट है लेकिन पक्की अच्छी है दोनों। इसलिए मैंने जल्दी पकाई थी, साफ साफ बोल दिया है। लेकिन मैंने पापा जल्दी पकाई थी, बहुत ज्यादा मेरा आटा बिछा था, इसलिए मैं विनर में पापा के बन के दिया। नहीं ये इसने थोड़ा ज्यादा पका दिया है, रोटी इसकी भी अच्छी है। पापा टाइट रोटी है ये देखो, और ये रोटी देखो इसमें, और वो तो कह दिया ये, और पतली रोटी है ये रोटी। अच्छा रुको रुको पापा, आप ये मर्दानी रोटी है जनानी रोटी है? नहीं अब आपको सब था कि भाई आटा किसने जल्दी गूंदा, किसने अच्छे से गूंदा, तो आप विनर बताओ। चुप करो, चुप पहले आटा गूंदा, पानी एक बोला पापा, सारे खाई नहीं कंपटीशन में, बकवास मारो। यू आर ट्राइंग टू जी नहीं, अब आपका अच्छा थोड़ा सा आटा क्या गूंदा, तो आप सोच रहे हो उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिला। बाबा यहां से ज्यादा हल्ला मत बताओ पापा, आप फाइनल डिसीजन आप लोग के दोनों का एक्सपीरियंस को देखते हुए रितु को ज्यादा। पापा ने पापा वाली बात बोल दी, पापा पापा बोलो किसकी रोटी अच्छी है? दोनों एक्सपीरियंस देखते हुए इससे रितु को ज्यादा एक्सपीरियंस है और गौरव को कम है। कम एक्सपीरियंस होते हुए गौरव ने अच्छी बनाई। ये विनर विनर फाइनल है, वो रितु की अच्छी है। आटा गूंदने में गौरव अच्छा था लेकिन रोटी दोनों की खाने लायक है एक तरीके से। ये मेरी मौलिक विजय हुई, मेरी मौलिक विजय मेरी हुई। गाइस आप डिसाइड करिए कि कौन जीता है, आपको बताना है कि टीम गौरव या टीम रितु कौन जीता। क्या डिसाइड की बात ही नहीं, जब जीता ही मैं उस दिन, और वो मेरे को पता ही था मैं जीतूंगा। आए बड़े एक घंटे बाद फिर रोटी बनाएंगे, एक घंटे बाद फिर फैसला ये हुआ कि आज से गौरव अपनी रोटी खुद बनाएगा। ये फैसला हुआ, इतनी अच्छी रोटी बना लेते तो खुद ही बनाएगा।